इसका मेन्यू भी दिखाता हूँ और भी काफी चीजें दिखाता हूँ। टिकट का हिसाब होता है या क्या हिसाब किताब होता है भाई जो ने सामने वाली बिल्डिंग के पास आके, और ये यार पता नहीं टिकट के बारे में या एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो अभी यार ये आपको मॉल शॉल नजर आ रहा है, तो अभी मेरे कंटेनर भी इन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे रियल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो यार आज आपका भाई जा रहा है इस्लामाबाद क्लब में। तो जैसा कि आपको पता है कि यार आपका भाई हमेशा कहीं ना कहीं घूमता फिरता रहता है, पूछा किसी ने, तो आज की वीडियो में आप लोगों को आपका भाई आप लोगों को इस्लामाबाद क्लब दिखाएगा। तो यार अभी मैं चलता हूँ यार जल्दी जल्दी, यहाँ पे मेट्रो पे बैठता हूँ या किसी और चीज पे बैठता हूँ, चलता हूँ यार इस्लामाबाद क्लब के बारे में आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे टिकट का हिसाब किताब होता है या क्या हिसाब किताब होता है। तो चलते हैं यार वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार अभी हम लोग जो है निकल चुके हैं क्लब की तरफ, तो आप लोग आराम सुकून से वीडियो देखो, आप लोगों को भी समझ आ जाए कि किस साइड पे है इसकी लोकेशन। तो फिर तो यार ये अभी हम लोग जो है ना काफी आगे तक आ चुके हैं, ये सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका भी आपको भाई ने आपको विजिट करवाया, और ये सामने चक्र यार सरीना रेस्टोरेंट, इसका भी आपको विजिट करवाया हुआ है। तो यार बाकी इस्लामाबाद क्लब के बारे में काफी मैंने सुना हुआ है, काफी फेमस इस्लामाबाद क्लब है, काफी लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा लोकेशन के बारे में आपको बता दूँ। ये सरीना से बिल्कुल इस सामने आप लोगों ने जाना होता है। तो अभी हम लोग यार चलते हैं जल्दी जल्दी, ट्रैफिक भी काफी है, और प्रॉपर तरीके से आज आपको विजिट करवाएगा आपका भाई, और लोकेशन के बारे में भी आप। तो यार ये अभी हम लोग जो है सामने आ चुके हैं बिल्कुल इसके सामने, ये सामने आप लोगों को दिखाया गेट नंबर 3 था, आगे गेट नंबर 2 है, और आगे जो है मेन गेट है गेट नंबर 1, जहाँ से सब लोगों की एंट्री होती है। तो वहाँ पे चलते हैं यार जल्दी जल्दी, ये सामने आपके आ चुके हैं। फाइनली अभी आपका भाई जो है ना इस्लामाबाद क्लब के पास आ चुके हैं। यार अभी जो है ना लोकेशन इसके, ये सामने जो है बिल्डिंग है, और ये सामने जो है ना सरीना होटल, यहाँ से सीधा आप लोगों ने यहाँ पे आना होता है, और ये जो इसका मेन गेट है। तो अभी ये यार चलता हूँ अंदर, अंदर जाके आपको मॉल दिखाता हूँ। मैं नहीं मानता, आज मेरा भी जो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ इस्लामाबाद क्लब में, और मुझे कोई पता नहीं यहाँ पे टिकट का हिसाब है या किस चीज़ का हिसाब है, लेकिन देखता हूँ आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि यहाँ पे टिकट का हिसाब होता है या क्या हिसाब किताब होता है। अंदर चढ़ता हूँ फिर अंदर जाके आपको मॉल दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको टिकट के बारे में या एंट्री के बारे में बताऊंगा मैं। तो यार अभी आपको बताऊँ कि अभी यार आपके भाई ने अंदर जाना था, लेकिन अंदर जाने का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि वहाँ पे जो वो कहते हैं पहले कार्ड बनवाना पड़ता है, और फिर जो है ना वो बंदा अंदर जा सकता है। किसी का रेफरेंस हो तो फिर यहाँ वैसे बंदा नहीं अंदर जा सकता, क्योंकि वो सरकारी इलाका है। कहाँ से आते हैं आपको पता है इस्लामाबाद क्लब, क्योंकि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा क्लब है। तो यार अभी आपका भाई जो है ना फाइनली अभी आपको इंशाल्लाह इसका विजिट करवाएगा, और साथ में लेकी और पार्क है उसका भी विजिट करवाएगा। चीटिंग करता है तू। सबसे पहले मेरा दिल है यार लेकी और पार्क में चलते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका भी विजिट करवाते हैं। ये सामने सरीना होटल है, यहाँ से सामने जो है ना वो इस्लामाबाद क्लब भी है। अभी मेरा दिल है यार चलता हूँ वापसी, आपको और चीज दिखाता हूँ, लेकी और पार्क दिखाता हूँ। तो यार ये चेक करो यार आज आपका भाई किस साइड पे आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को। तो यार ये भी आपका भाई जो है सामने वाली बिल्डिंग के पास आके, और ये यार पता नहीं यहाँ पे वो तंबू वगैरह क्यों लगे हुए, यहाँ पे जो ना लड़के आए हुए हैं स्कूल के कॉलेज के, मतलब यूनिवर्सिटी के, समझ लो ना। तो अभी मेरा दिल है यार आगे चलता हूँ यार, ये सारे यूनिवर्सिटी वाले लड़के हैं, वो सामने आपको सरीना रेस्टोरेंट में नजर आ रहा होगा, और ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी यार, ये कौन सी जगह है, इसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं, आप लोगों ने मुझे बताना यार। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। तो यार फाइनली मुझे पता चल गया है कि ये कौन सी जगह और क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर जो है बना हुआ है। और अभी यार मेरा दिल है चलता हूँ, मेरा आज मूड नहीं बन रहा यार सही मज़े की वीडियो बनाने का, मेरे दिल है आज आपको सरीना होटल दिखाता हूँ यार।
तो यार ये सामने जो है ना सरीना होटल भी आ गया, तो मेरे दिल यार इसी का आज आपको ना दोबारा से मजे वाला व्यू रिव्यू क्या कहते हैं भाई लोग विजिट करवा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो फिर यार चलता हूँ वापसी क्योंकि आज मेरा मूड जो है ना थोड़ा साफ हो गया। तो यार ये भी आपका भाई जो है ना आ चुका है और यहाँ पे चेक करें यार कितने मजे मजे की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मर्सिडीज, BMW और भी काफ़ी हैवी हैवी किस्म की गाड़ी, और ये सामने जो है ना फॉर्च्यून की खड़ी हुई है। तो ये भी आपका भाई जो है आ चुके हैं अंदर। तो भाई लोग अभी आपका भाई जो है एंट्री हो चुका है, सारे भाई टेस्ट पास हो गए जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भाई लोग यार आज तो इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा यार, चेक करो यार। तो यार फाइनली अभी आपको भाई आ चुके हैं, तो आज मेरे दिल यार आपको चलता हूँ अंदर जाके इसका मेन्यू भी दिखाता हूँ और भी काफ़ी चीज़ें दिखाता हूँ, घूमने फिरने वाली भी, घूमने फिरने वाली तो आपको मैंने दिखाई है, बाकी यहाँ पे जो ना V8ों के अलावा यहाँ पे कोई गाड़ी आती नहीं है, V8, लैंड क्रूजर और होंडा सिविक। ये लो भाई लोग आपका भाई आ गया अभी। सो भाई लोग फाइनली अभी आपका भाई जो है बैठ गया, तो यार अभी काफ़ी देर चल चल के थक गया था, तो अभी यार ये आपको मॉल शॉल नज़र आ रहा है, तो अभी मेरे दिल आपको जो आके ना स्विमिंग पूल वगैरह दिखाता हूँ और भी काफ़ी चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन आज रश नहीं है यार, पता नहीं क्या पब्लिक है ही नहीं यार, पता नहीं सब लोग किधर चले गए। बाकी ये सामने आपको पता है मॉल शॉल बना हुआ है, ये मॉल शॉल के लिए रखे हुए हैं, इन्जॉय करो यार। आप अपने भाई को यार बताया करो यार वीडियो कैसी लगती है, इसलिए आजकल मेरा दिल नहीं कर रहा यार वीडियो बनाने का। और ये यार यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग वाला भी लगी हुई है, काफ़ी प्यारी बनाई हुई है यार। और ये क्या लिखा हुआ है यार, ये न्यू कॉम्पली पता नहीं क्या लिखा भाई, मुझे कोई समझ नहीं आ रही यार। और ये छोटे छोटे कंटेनर बने हुए हैं, ये चेक करो यार कंटेनर भी इन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे रियल है। तो भाई लोग मुझे तो बड़ा अजीब सा यार आज लग रहा है क्योंकि आज भी मैं अकेले ही हूँ, तो मेरे दिल यार चलता हूँ ऊपर जाके आपको नज़रा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ और भी मॉल शॉल दिखाता हूँ। मेन्यू मैंने दिखाना था लेकिन मेन्यू शायद आपको सही नज़र नहीं आया होगा, तो यार इस सेट से तो दूसरा रास्ता ये तो बाहर निकलने का, तो मेरे दिल ऊपर चलता हूँ। तो यार अभी आपको बताऊँ कि यार अभी जो है ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा यार आज वीडियो बनाने का, पता नहीं क्या बात है यार, आप लोग यार बताओ आज क्या हो गया मुझे, और भी यार मैंने काफ़ी चीज़ें आपको दिखानी है लेकिन आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। चलता हूँ यार वापसी चलता हूँ यार, ये कुछ अच्छा दिखता है तो वो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर वापसी चलता हूँ यार। तो यार आज के बाद आपका भाई यहाँ पर नहीं आएगा, तो यार अभी मैं चलता हूँ, आज के बाद मैं नहीं यार यहाँ पे आऊँगा, मेरा दिल ही नहीं लग रहा यार, पता नहीं क्या हो गया यार आजकल वीडियो बनाने का दिल ही नहीं कर रहा यार, आप लोग स्पोर्ट सही नहीं ना कर रहे, देख लो यार। तो भाई लोग ये चक्कर हो यार, ये पार्क भी काफ़ी प्यारा बना हुआ है, यहाँ पे जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा क्रिकेटर जो है ना ट्राई कर रहे हैं अपनी। तो भाई लोग यार आपका भाई अभी फ़िलहाल जॉब पे जा रहा है, तो उधर ही मुझे लगता है पता नहीं कब तक यार जॉब करूँगा। तो यार दूसरी बात आपको तो आपको पता है कि आजकल जो है रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा जो है बंद हो रहे हैं, तो अभी भाई इतनी ज़्यादा पुलिस थी मैं तो देख के परेशान हो गया हूँ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई उनकी। तो यार यहाँ पर जो है अभी बच्चों को छुट्टी है, तो काफ़ी जो है ना रश लगा हुआ है गाड़ियों का भी और बच्चों का भी भाई लोग, तो ये सामने चेक करो यार भाई लोग। अभी यार वैसे तो मेरा भी दिल करता है यार पढ़ने का, लेकिन अभी जो है टाइम ही नहीं मिलता यार, वीडियो एडिट करनी होती है बनानी होती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से यार इंग्लिश में इंशाल्लाह सीखूंगा। तो यार चलता हूँ यार, अभी मैं रेस्टोरेंट पे चलता हूँ, आज जल्दी चला जाता हूँ क्योंकि आज दिल ही नहीं कर रहा यार, पता नहीं आज काम करने को भी दिल करेगा या नहीं। तो भाई लोग अभी आपका भैया आ गया, तो आज का दिन कैसा गुजरेगा यार।